Yes, we are live now. Hello friends, this is Manchi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, आज थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, 25 क्वेश्चंस करेंगे। आपका जो पेडागॉजी की प्रैक्टिस है वो अच्छे से इस सीरीज से हो रही होगी, और पेडागॉजी अभ्यास सीरीज है फॉर सीटेट एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स। तो शुरुआत करेंगे, क्लास है आपकी 8th, PDFs आपको साथ में मिल जाती हैं। कई दिनों से जो है छुट्टी थी, क्योंकि मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग कामों में बिजी थी। अभी शुरू करते हैं, तबीयत भी बेहतर फील हो रहा है और एनर्जी भी बहुत प्यारी सी है, तो कंटिन्यू करते हैं। डेली 9:30 मिलेंगे। ये सीरीज अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, जो नए जमाने के क्वेश्चंस हैं, जो कि पैटर्न चेंज हो जाता है ना हर एक साल पे दो साल पे क्वेश्चंस का, उस तरह के क्वेश्चंस इस सीरीज में हम कर रहे हैं, चाहे वो स्टेटमेंट और रीजन वाले हों, चाहे वो चूज करने वाले हों, चाहे वो नए ढंग से पूछे गए क्वेश्चंस हों। चलिए फटाफट से आ जाइए एक बार, फिर करेंगे कहानी आगे की शुरू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जैसे जैसे आप जुड़ते जाएं, और आपको सेशन पसंद भी आए। पसंद तब आएगा अगर आपने नया नया देखना शुरू किया है, तो पेडागॉजी अपने आप में थोड़ा सा नया सब्जेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा समय खुद को भी दीजिए, मुझे भी दीजिए, क्योंकि अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कोई भी नया इंसान, मतलब टाइम लगता है ना समझने में। चलो आगे आते हैं। ये जो आपका टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम चैनल अगर आप यूजर नेम सर्च करते हैं लेट्स लर्न स्क्वाड, तो वहां आपको पीडीएफ वगैरह सारी मिल जाएंगी। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। इसके अलावा करियर विल ऐप, जिनके साथ कोलैबोरेशन रहता है, वहाँ ये डीट प्लस बी के दो बैचेस हैं, जो एक जनरल बैच है। अगर आप पीआरटी टीजीडी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो 100 नंबर का पेपर वन जो है आपका पार्ट वन, वो आपका ऐसे कवर हो जाएगा। कुछ 500 एडिशनल डिस्काउंट भी है, तो कुछ 1000 में पड़ जाएगा आफ्टर दैट 500 डिस्काउंट, जो लोग पहले से वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो करियर विल पे पहले कोई भी बैच लिया हुआ है। इसके अलावा पीआरटी स्पेशल है, जिसमें कंप्लीट आपका 200 नंबर की तैयारी, VOD प्लस लाइव है, यानी रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों तरह से। 25 अप्रैल से इसमें एडमिशन शुरू हुए हैं, यानी कल से ही अभी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं करियर विल ऐप डाउनलोड करके, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे अलग अलग टीचर्स डिस्कस करेंगे, और पेडागॉजी जो है वो मैं डिस्कस करती हूँ, है ना। इसके अलावा सीटेट के बैचेज में भी अभी एडमिशन ओपन है, जहाँ तक है 31 तक लास्ट हो जाएगा, तो ये भी आप एक बार जाकर के करियर विल ऐप डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इफ़ यू नीड एनी बैच जहाँ पे कंप्लीट टीचर्स सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन एक जगह मिल जाए, तो आप बिल्कुल जाकर के देखें वो चीज। क्वेश्चन नंबर वन देखिए, आज के लिए हम करने वाले हैं कुछ 25 क्वेश्चंस, और देखिएगा एक बार, पढ़िए, पोल में जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन है, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस, यानी वो बच्चे जो गिफ्टेड हैं, जिनका IQ ज्यादा है, जो विलक्षण बुद्धिशात्र हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, जो बहुत ही क्यूरियस हैं, IQ ज्यादा है, जल्दी समझ लेते हैं, मुश्किल चीजें भी आसानी से सीख जाते हैं, है ना, तो गिफ्टेड बच्चे को डील करने का कौन सा एक तरीका सक्सेसफुल होगा। सॉरी, मैंने भी सिर्फ यहां तक पढ़ा ये, अगर आप यहां तक पढ़ेंगे तो आप भी गलत करेंगे। फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी एज अ टीचर शुड अवॉइड टू यूज, यानी कौन सी एक स्ट्रेटजी यूज नहीं करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि गिफ्टेड बच्चे को इंक्लूड करना है सक्सेसफुली क्लासरूम में, यानी गिफ्टेड बच्चे को भी एजुकेशन देनी है। भाई, एक क्लास में गिफ्टेड बच्चा भी है जो जल्दी से समझता है, एक क्लास में पिछड़ा हुआ बच्चा भी है जिसको बैकवर्ड बोल रहे हैं, इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो एक बच्चा है जो एवरेज है, हर तरह के बच्चे हैं, विजुअली चैलेंज भी हैं। इसी को हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, जहां पे हर प्रकार के बच्चे, एजुकेशन फॉर ऑल की बात हो। तो यहाँ पे बात हो रही है, अगर गिफ्टेड बच्चे को इंक्लूड करना है तो कौन सा एक तरीका सही नहीं होगा। 67% लोग आंसर दे रहे हैं आपका सी ऑप्शन, जो कि बहुत हद तक सही भी है ना। चलिए समझते हैं क्या कहानी है। अलाउ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, यानी ऑप्शन ए है कि विविध दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के मौके देना, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है अगर आपको हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करना है तो। प्रोवाइड एकेडमिक एनरिचमेंट एक्टिविटीज, एनरिचमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं गिफ्टेड बच्चों के लिए, एक्स्ट्रा उसमें चीजें होती हैं, चैलेंजिंग टास्क होते हैं, नए नए वेज होते हैं, जिससे गिफ्टेड बच्चा इन्वॉल्व रह सके, बोर्ड महसूस ना करे। अगर चैलेंजिंग नहीं होगी क्लासरूम तो गिफ्टेड बच्चा बोर्ड फील करेगा, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, इंप्लीमेंट टीचर सेंटर्ड करिकुलम, ये तो गड़बड़ है, गिफ्टेड क्या कोई भी बच्चे के लिए खराब है कि आपको लर्नर सेंटर्ड बनाना है क्लासरूम को, चाइल्ड सेंटर्ड बनाना है, ना कि टीचर सेंटर्ड, क्योंकि जो क्लासरूम है, जो लर्निंग की पूरी प्रक्रिया का तामझाम आपने जोड़ा हुआ है, वो बच्चे के लिए जोड़ा है, ना कि टीचर के लिए। मतलब टीचर इज अ पार्ट, बट लर्नर सेंटर्ड हो क्लासरूम। सीखना किसको है, लर्नर को सीखना है, सीखने कौन आ रहा है, लर्नर मेनली, तो उसके हिसाब से, उसकी नीड के, उसकी लर्निंग टाइप के अकॉर्डिंग हम सिखाएं। तो टीचर सेंटर्ड बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती क्लासरूम, आज के जमाने में हम टीचर सेंटर्ड क्लासरूम को फॉलो नहीं करते। हम क्या बात करते हैं, जितनी भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, NCF हो, उससे पहले कोई भी पॉलिसी आई हुई हो, वो सब यही कहेंगे कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए, यानी बच्चे को केंद्र में रखो, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जॉन डूई भी इसी की बात करते हैं, यानी बच्चा जहां फ्री हो, जहां बच्चा एक्टिविटी कर रहा हो,
टीचर सेंटर्ड हो गए, एक व्यक्ति है वो खड़ा हुआ और लेक्चर देना शुरू किया, एक जगह से चौक फेंक फेंक के मार रहे हैं और बच्चे की नीड्स को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं सिखा पा रहे हैं। डी ऑप्शन है अलाउ स्टूडेंट्स टू परस्यू इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, यानी बच्चों को आप अलाउ करें कि वो इंडिपेंडेंटली कोई प्रोजेक्ट परस्यू कर सके। तो इसमें तो बच्चे की फ्रीडम है, यहाँ भी बच्चे की फ्रीडम है, बस सी ऑप्शन है जो बच्चे की फ्रीडम को खा गया और यही अवॉइड करना है आपको एज अ टीचर। चाहे किसी भी प्रकार का बच्चा हो, आप बच्चे की फ्रीडम नहीं खा सकते, इवन किसी की भी नहीं खा सकते। आर्टिकल 21 बात करता है ना आई थिंक फ्रीडम की, तो भाई आजादी का अधिकार है सभी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार, जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया मैम, लाइफ में खुश रहना बहुत जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कुछ करते रहना, क्योंकि खुशी और गम थोड़ा बहुत इधर उधर चलते रहेंगे, लाइफ है, चीजें हैं, ऊपर नीचे जाएंगी ही जाएंगी, स्टैटिक नहीं हो सकते, बट करते रहना बहुत जरूरी है कुछ ना कुछ। चलो आओ फटाफट से। बी 62% लोग आंसर कर रहे हैं, यानी इन ऑर्डर टू, क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सिस्टम विच रिस्पेक्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स इट इज इंपॉर्टेंट टू, यानी एक ऐसा सिस्टम आपको क्लासरूम में क्रिएट करना है जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान देता हो, यानी हर प्रकार का बच्चा वहां सीख सके, तो कौन सा तरीका बेहतर होगा। पहला ऑप्शन है यूज स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स। देखो स्टैंडर्डाइज्ड या यूनिफॉर्म जो करिकुलम है वो सबके लिए अच्छा नहीं होता, डिफरेंशिएटेड करिकुलम आपको यूज करना होता है। याद रखिएगा ये 2-3 वर्ड्स हैं, एक है यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन या यूनिफॉर्म करिकुलम, यूनिफॉर्म करिकुलम कह लीजिए या यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन कह लीजिए। यूनिफॉर्म का दूसरा नाम स्टैंडर्डाइज्ड हो सकता है क्योंकि सभी के लिए एक जैसा है, मानकीकृत है, स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक। दूसरी तरफ वर्ड है एक आपका डिफरेंशिएटेड यानी विभेदी। बच्चे के लिए कौन सा अच्छा है, बच्चे के हित में, बच्चे के हित में है आपकी डिफरेंशिएटेड यानी विभेदी अनुदेशन ज्यादा बेहतर है, क्योंकि डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है, डिफरेंसेस होंगे, सबकी नीड के अकॉर्डिंग होगा, है ना, नीड्स का ध्यान रखा जाएगा। वहीं यूनिफॉर्म का मतलब क्या, सबके लिए एक जैसा, मतलब कोई वैरायटी ही नहीं है, नो वैरायटी। डिफरेंशिएटेड में क्या होगा, वैरायटी होगी, विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाएगा, अलग अलग मेथड्स टीचर यूज करेगा, अलग अलग एक्टिविटीज कराई जाएंगी, अलग अलग नीड वाले बच्चों को केटर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिंगल फॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या, सिंगल, जैसे स्कूल में नहीं पहनते यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्मिटी हर जगह काम नहीं आती। वैसे अगर हम देखेंगे तो यूनिफॉर्म हमें अच्छा लगता है कि यूनिफॉर्म होती है स्कूल में, बहुत अच्छी बात है, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, किसी भी बैकग्राउंड से आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक जैसे हैं, सिंगल वन यूनिफॉर्मिटी का मतलब। लेकिन जब बात इंस्ट्रक्शन की होती है यानी टीचिंग मेथड्स की होती है, या फिर अगर मैं बात करूं आपकी करिकुलम की होती है जिसमें एक्टिविटीज प्लान है, तब यूनिफॉर्मिटी काम की नहीं है, तब ये नेगेटिव वर्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको बच्चे की नीड्स को फुलफिल करना है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का भी यही एक क्रिटिसिज्म है कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर नहीं बने होते, ठीक है। तो ये 2 चीजें जरूर याद रखिएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे पेडागॉजी में। क्लियर है बात, आगे बढ़ेंगे, देखिएगा एक बार। तो क्वेश्चन है आपका कि कौन सा एक ऑप्शन है जो रिस्पेक्ट करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, तो स्टैंडर्डाइज तो नहीं करता। अलाउ वेरिएशन इन लर्निंग पेस एंड पर्सपेक्टिव्स, ये बात बिल्कुल सही है कि यदि आप अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों को विविधता देने की बात करेंगे, यानी लर्निंग पेस, कोई धीरे सीखेगा, कोई जल्दी सीखेगा, कोई एवरेज स्पीड पे सीखेगा, और पर्सपेक्टिव्स, सबका सोचने का देखने का नजरिया अलग है, तो क्या होगा, लर्निंग बेहतर हो पाएगी। बी ऑप्शन सही है। फिर आता है सी ऑप्शन, कीप लो एक्सपेक्टेशंस ऑफ लर्निंग फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि आप एक्सपेक्टेशन कम रखें सभी बच्चों से सीखने की। क्यों रखेंगे, अगर आप लोअर कर देंगे एक्सपेक्टेशन को तो बच्चे खुद से ही, मतलब मान लीजिए आपको ये कहा जाए अरे बड़ा मुश्किल एग्जाम है, यहाँ पे तो 20 नंबर नहीं आते, तुम तो 15 की सोचो, तो बच्चे के लिए तो 15 ही बहुत बड़ी बात हो गई। तो अगर आप 20 का टारगेट करोगे तब 18 तक तो पहुंचोगे एटलीस्ट, तो लोअर नहीं करनी होती एक्सपेक्टेशन। ये बच्चे बेसिकली यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग या उसकी एबिलिटी के अनुसार जो आपको लग रहा है उसके आधार पे वो खुद से बेहतर करे, ये होना चाहिए आपका टारगेट। फिर आता है डी ऑप्शन, पे अटेंशन ओनली टुवर्ड्स हाई अचीवर्स इन एग्जाम्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई अचीवर्स का ही हम ध्यान रखेंगे, है ना, कि जो रट्टे मार के जिस भी तरह से, या जो अच्छे हैं पढ़ने में हम उन्हीं का ध्यान रखें, बाकियों को भूल जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर तो हमें ये क्वेश्चन जैसे आपने पोल में आंसर दिया था खत्म करके आगे बढ़ जाना चाहिए था, बट हमें हर प्रकार के व्यक्ति का ध्यान रखना है, तो क्लियर हो गई बात। वेरिएशन का आपको ध्यान रखना है, अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रख रहे हैं यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रख रहे हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या है, हमारे अंदर डिफरेंसेस हैं, सभी बच्चे अलग हो सकते हैं, उनका सीखने का तरीका अलग हो सकता है, उनका पेस ऑफ लर्निंग अलग हो सकता है, उनका टीचिंग स्टाइल अलग हो सकता है,
ठीक है जी। देखिए आ जाओ फटाफट से। अ स्टूडेंट इज अनेबल टू पे अटेंशन इन अ क्लास। एक बच्चा है जो क्लास में अटेंशन पे नहीं कर पाता, अनेबल है, ध्यान उसका एक जगह पे टिक नहीं पाता। बिकम्स डिस्ट्रैक्टेड इजीली, आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। किसी ने सांस भी लिया वो डिस्ट्रैक्ट है ना, वो हर टाइम इधर उधर, उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटेंशन चाहिए। कांट सिट इन द असाइंड सीट, जो सीट उसको मिली है वहां नहीं, कभी कूदता रहेगा, उछलता रहेगा, इधर उधर अटेंशन गेन करता रहेगा, चीजें छिड़ता रहेगा। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंडिकेटिव ऑफ, ये जो विशेषताएं हैं या ये जो लक्षण है, ये किस एक चीज के लक्षण है कि बच्चे की अटेंशन एक जगह नहीं टिकती है ना। पांच मिनट ये किया, छठे मिनट, पांच मिनट भी बहुत ज्यादा बोल रही हूं मैं, मतलब कुछ देर ये कुछ देर वो, मतलब अटेंशन इधर उधर भागती रहती है, एक से दूसरी चीज पे जंप करती रहती है। सिंपल आंसर है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक, मतलब बच्चे की अटेंशन में कमी है, वो एक जगह अटेंशन टिका के नहीं बैठ पाता। अटेंशन में क्या है, कमी है, हाइपर एक्टिविटी है, यानी एक्टिव जो है वो जरूरत से ज्यादा है। भाई एक्टिव होना अच्छी बात है, हाइपर एक्टिव होना प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, कि आप उछलते कूदते रहते हैं, शांति से खड़े ही नहीं हो पाते कहीं। ठीक, तो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, क्लियर हो गई बात। विजुअल इंपेयरमेंट, ऐसा तो नहीं बात हो रही कि उसको देखने में कुछ दिक्कत है। अब कई लोग कहेंगे भाई उछलता कूदता रह रहा है, बट अटेंशन की भी तो बात हो रही है ना यहाँ पे, है ना। फिर क्या है, असाइन सीट पे तो बैठ जाएगा वो व्यक्ति जिसको देखने में दिक्कत है, एटलीस्ट वो भी नहीं हो रहा। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार है, ग्राफिया जो है लिखने से संबंधित है, इनकी बात ही नहीं हुई। तो दिस इज सिंपल कि भाई अवधान न्यूनतम अति सक्रियता विकार है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। ऐसे बच्चे के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में काम को डिवाइड कर दिया जाता है, जहां पे उनका जो ध्यान है वो, मान लो 50 मिनट की क्लास है, या उनके लिए टास्क अरेंज करो 1 मिनट 2 मिनट, मतलब धीरे धीरे बढ़ाओ उस अवधि को। ठीक है, कोई पूछ रहा है पेडागॉजी स्पेशल में क्लास कब होगी, आज हुई थी क्लास, बस 6 की जगह 7 बजे हुई थी, तो एक बार टॉपिक चेक कर लेना। टॉलमैन, गुथरी और कोल्ब की थ्योरी हमने डिस्कस की थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सीटेट में वही रखेंगे थर्सडे फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद हियरिंग इंपेयरमेंट, यानी आपको ऐसे बच्चों को इंक्लूड करना है जिनको सुनने में समस्या होती है, आ टीचर शुड, वो बच्चे भाई, हियरिंग इंपेयरमेंट मतलब सुनने में समस्या, विजुअल इंपेयरमेंट मतलब जिनको देखने में समस्या है, तो हियरिंग इंपेयरमेंट जिस बच्चे को सुनने में दिक्कत है उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है अवॉइड स्पीकिंग एनी टाइम व्हेन स्टूडेंट्स कांट सी हर फेस, यानी उस समय पे बोलना अवॉइड करना चाहिए जब बच्चा उसका फेस ना देख पा रहा हो। मे बी राइट और रॉन्ग। बी ऑप्शन है डिस्करेज यूज ऑफ साइन लैंग्वेज, यानी आप क्या करेंगे, साइन लैंग्वेज को आप यूज नहीं करेंगे। भाई अगर बच्चे को सुनने में दिक्कत हो रही तो एटलीस्ट मान लो मैंने आवाज लगाई, आप शादी में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, है ना, बारात में डांस कर रहे हैं आप दबा करके, ठीक, और कोई बोलेगा तो आवाज तो आएगी नहीं आपको, तो सामने वाला क्या करता है, या फिर ऐसे आप कुछ तो करते हैं ना, ये साइन लैंग्वेज है, तो जिस बच्चे को सुनने में दिक्कत है उसके सामने साइन लैंग्वेज का तो यूज करोगे ना, ये तो सिंपल सी बात है, अवॉइड क्यों करना है ये। ठीक, तो ये तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन नहीं हुआ कि साइन लैंग्वेज को डिस्करेज नहीं करना बल्कि बढ़ावा देना है। ठीक है, फिर आते हैं सी ऑप्शन पे, अवॉइड यूज ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, यानी असिस्टिव टेक्नोलॉजी मतलब जो सहायक हो, ऐसी टेक्नोलॉजी, चाहे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो सकता है जो बच्चे को बोल करके किसी चीज को बता दे, या फिर दिखा दे जो चीज बोल रहा है टीचर, उस चीज उसको थोड़ा लाउड सुन जाए, तो ये तो अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। अवॉइड गिविंग, बट अवॉइड क्यों करना है, अवॉइड लिखा है दैट मीन्स ये भी गड़बड़, डिस्करेज लिखा है ये भी गड़बड़। फिर है अवॉइड गिविंग एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, यानी एक्स्ट्रा टाइम मत दो प्रोसेस करने के लिए इन्फॉर्मेशन को, कि भाई समझने की कोशिश कर रहा है वो, देना चाहिए। तो ये तीनों ही बातें नेगेटिव हो गई। ये बात एकदम सही है कि अवॉइड स्पीकिंग एनी टाइम व्हेन स्टूडेंट्स कांट सी हर फेस, भाई वो बच्चा जिसको सुनने में ऑलरेडी दिक्कत है, अब एटलीस्ट जब आपको सुनने में दिक्कत हो रही है तो किसी के वर्ड्स को देख के, लिपसिंग को देख के भी आप आइडिया लगा लेते हो कि सामने वाला क्या कह रहा है, समझ पा रहे हो ना। तो ऐसा बोलना इग्नोर करना है टीचर को, जहां से बच्चा इस जगह से या उस समय बोलना इग्नोर करना है, अवॉइड करना है, जब बच्चा आपको ना देख पा रहा हो, क्योंकि वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन या आपके वर्ड्स या लिप्स, जो भी आप लिपसिंग कर रहे हैं उससे आइडिया लगा पाता है। अगर उसको सुन कम रहा है तो एटलीस्ट वो एक्सप्रेशन वगैरह से आइडिया लगाएगा, तो उस टाइम पे आप मत बोलिए, अवॉइड कीजिए ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको देख ही ना पाए बच्चा, तो वो और ज्यादा दिक्कत होगी सुनने में। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर कि ये चीज अवॉइड करनी चाहिए, बाकी तीनों चीजें तो करनी चाहिए, वो तो नेगेटिव हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, चूजिंग एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड स्कोप फॉर इंसाइटफुल एंड डाइवर्जेंट आंसर्स प्रमोट, डाइवर्जेंट समझते हैं दिशाओं में सोचना, इंसाइटफुल यानी आइडियाज देना, अचानक से होते ना आइडिया, किसी चीज पे आप आइडियाज दे रहे हो, है ना, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी अचानक से आइडिया आया, मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे, है ना, कोहलर की थियरी भी है इंसाइटफुल लर्निंग थियरी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो कह रहे हैं कि ऐसी एक्टिविटीज
चूज करना जहाँ पे स्कोप है, यानी बच्चों को, बच्चों के लिए आप ऐसी एक्टिविटीज दे रहे हैं जहाँ पे उनको सोचने पे मजबूर हो, आइडियाज आए, इनसाइट्स देनी पड़े. मान लीजिए पॉल्यूशन कम करना है, कुछ और करना है, तो वो इनसाइट दें अपनी कि अच्छा बताओ इस चीज को ऐसे कैसे कर सकते हैं. और डाइवर्जेंट थिंकिंग करें, यानी दिशाओं में सोचें, अलग अलग पॉसिबल आंसर्स पे जाएं. वो प्रमोट करने के लिए रोट मेमोराइजेशन, रट के आज तक किसमें इनसाइट्स आए हैं, है ना. रट्टे वाला को तो सिर्फ वही याद रहेगा, वो याद कर लीजिए चतुर्राम लिंगम, थ्री इडियट्स वाला, कि उसको पता भी नहीं है कि क्या लिखा हुआ है. इनसाइट तो छोड़ दो, उसको सिर्फ रटने से मतलब है, कुछ नया नहीं सोच पाता रटने वाला. क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है, डाइवर्जेंट थिंकिंग बिल्कुल जुड़ी हुई है क्रिएटिविटी से. या अगर इनसाइट्स की अगर मैं बात करूं तो क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है. क्रिएटिविटी क्या होता है? कुछ नया करने की क्षमता, कुछ नोवल करने की क्षमता, दिशाओं में सोचने की क्षमता, ठीक है, जो पहले ना हुआ, ओरिजिनल करने की क्षमता, ठीक. तो बिल्कुल सही बात है. डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आते हैं आपको, उनमें से कोई एक आप चूज करोगे. इनसाइटफुल भी क्या है? इनसाइट आएगी आपको, इनसाइटफुल लर्निंग, जो वो कोहलर की इनसाइटफुल लर्निंग है ना, वहां पे भी गेस्टाल्टवाद को बेसिकली यूज किया जाता है ज्यादा हायर मेंटल प्रोसेसिंग के लिए, जिसमें क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीजों में काम आती है इनसाइटफुल लर्निंग, वो जो सुल्तान वाली थियरी है आपकी. फ्रस्ट्रेशन, इससे किसका भला हुआ है आज तक? कॉम्पिटिशन, इससे भी किसी का भला नहीं हुआ. तो हम कहेंगे मतलब हो जाता होगा कुछ लोगों को लगता हो तो, बट क्रिएटिविटी इज द राइट आंसर. के अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने से क्या होगा? क्रिएटिव बनेगा बच्चा, डिफरेंट डिफरेंट दिशाओं में सोचेगा, कुछ नया सोचेगा, कुछ ओरिजिनल सोचेगा. भाई आप जब चार चीजें करेंगे तभी तो कुछ नया आइडिया आएगा, अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं तो कहां से आएगा. क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपके सामने. स्टूडेंट्स हु स्कोर लेस मार्क्स ड्यूरिंग एग्जाम्स शुड, यानी वो बच्चे जिनके नंबर कम आते हैं उनको क्या करना चाहिए, वो बच्चे जिनके नंबर कम आए हैं उनको क्या करना चाहिए. पहला ऑप्शन है बी प्लेस्ड इन स्पेशल स्कूल्स, यानी डिफरेंट स्कूल्स में भेज दो जहां उनके ही जैसे बच्चे पढ़ते हो जिनके नंबर कम ही आते हो. तो ये तो कोई सेंस ही नहीं हुआ आजकल स्पेशल स्कूल्स की जगह. वैसे भी हम इंक्लूसिव स्कूल्स को, यानी समावेशी विद्यालयों को प्रमोट करते हैं. आगे बढ़ेंगे, बी गाइडेड टू परस्यू ओनली वोकेशनल एजुकेशन, यानी सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन, मतलब कोई वोकेशन सिखा दो ताकि रोजी रोटी अपनी निकाल लें. क्यों भाई, नंबर ही तो कमाए, उनका इंटरेस्ट होगा किसी और हो सकता है जिस सब्जेक्ट में, जिस तरह से पढ़ाया गया हो उसमें कमियां, हो सकता है इंटरेस्ट किसी और चीज में हो, जबरदस्ती आप सिखा रहे हो, तो वोकेशनल क्यों? वोकेशनल जनरली रिटार्डेड बच्चों के लिए होता है. बी सब्जेक्टेड टू कॉर्पोरल पनिशमेंट, भाई आप दंड तो दे ही नहीं सकते. आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है साफ साफ, आप किसी को मुर्गा मुर्गी नहीं बना सकते आज की डेट में. फिर आता है डी ऑप्शन, बी प्रोवाइडेड विद नेसेसरी सपोर्ट एज पर देयर इंडिविजुअल नीड्स. ये बात सही है कि जो भी व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार हो वो सहायता देनी चाहिए. कोई बच्चा है जिसके बहुत ही कमा रहे हैं, उसका इंटरेस्ट हो सकता है म्यूजिक में हो, तो उस तरह की ट्रेनिंग उसको दिलवाओ. कोई बच्चा है जिसको मेथड समझ में ना आ रहा हो तो दूसरे मेथड से समझाओ. मतलब इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग करेंगे आप जो भी करना है, अपनी मर्जी से पहले से ही नहीं डिसाइड कर लेंगे. तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 91% लोग दे भी रहे हैं. क्वेश्चन नंबर सेवन देखिएगा एक बार. क्वेश्चन नंबर सेवन सेज, एक तरफ दिया है अजर्शन, ये नए जमाने के क्वेश्चन है हम ये कहेंगे, एक तरफ दिया है अजर्शन यानी एक स्टेटमेंट है, और इसका एक तरफ रीजन दिया हुआ है. अब आपको देखना है कि ये ए सही है या आर सही है, दोनों सही है या दोनों गलत हैं, ठीक है. तो लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, टू एंश्योर मीनिंगफुल लर्निंग इट इज इसेंशियल टू कनेक्ट न्यू मटेरियल्स विद समथिंग द चाइल्ड ऑलरेडी नोज, यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चा अर्थपूर्ण ढंग से सीखे, अर्थपूर्ण ढंग से क्या, जिसका कोई मीनिंग हो, जो उसके जीवन से जुड़ा हो, तो आपको पुराने मटेरियल से या नए मटेरियल को पुरानी लर्निंग से जोड़ना जरूरी है, यानी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करना चाहिए. जब भी आप कुछ नया सिखा रहे हैं तो पूर्व ज्ञान से जोड़ दीजिए. ये तो पूरी टीचिंग लर्निंग में, आपने लेसन प्लानिंग में हर जगह ये यूज किया होगा. इसका रीजन क्या बताया गया है? रीजन बताया गया है लर्निंग अकर्स इन अ लीनियर मैनर, यानी जो लर्निंग है वो लीनियर मतलब सीधी रेखा में, बिल्कुल सेम स्पीड पे, सेम तरीके से होती है. तो ये तो डेवलपमेंट में भी नहीं होता ऐसा, पहला चैप्टर है आपका डेवलपमेंट, ठीक है. लीनियर नहीं होती, स्पाइरल होगी लर्निंग, एक दूसरे से कनेक्टेड होगी, आगे पीछे ऐसे चलती है, ठीक. तो लीनियर तो हो ही नहीं सकती, ऐसा थोड़ी कि सेम गति से ही सीखते रहोगे आप. हो सकता है एक चैप्टर बहुत जल्दी समझ में आ गया हो, दूसरे चैप्टर को समझने में ज्यादा डिफिकल्टी हुई हो, फिर तीसरा अगर उससे कनेक्टेड है तो और इजीली बन गई हो चीजें. तो अगर हम बात करते हैं तो ब्रूनर भी इसकी बात करते हैं, स्पाइरल करिकुलम की बात करते हैं. लर्निंग को हम लीनियर ना देख करके कैसे देखते हैं? स्पाइरल. तो आप कह सकते हैं कि लर्निंग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लर्निंग इज स्पाइरल, यानी वर्तुलाकार होगी, जैसे डेवलपमेंट स्पाइरल होता है. दैट मींस एक चीज दूसरी चीज से कनेक्ट होगी. मान लीजिए आपने एक क्लास में ये पढ़ा, वही चीज आगे बढ़ के और एड ऑन हो जाएगा, फिर एड ऑन हो जाएगा, ठीक है जी. तो अगर हम बात करें तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि आपको प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करना होगा न्यू नॉलेज को, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना चाहिए. और ये स्पाइरल करिकुलम की बात कौन कर रहा है? ब्रूनर कर रहे हैं. लिख लीजिएगा कहीं पे, स्पाइरल करिकुलम यानी वर्तुलाकार पाठ्य
आश्चर्य कौन दे रहे हैं? ब्रूनर दे रहे हैं, जेरोम ब्रूनर। ठीक है, यानी एक चीज दूसरे चीज से कनेक्टेड होनी चाहिए, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्टेड होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए, ये होता है तरीका आपका सिंपल। ठीक, लीनियर नहीं हो सकती लर्निंग, कांट बी लीनियर। लीनियर का मतलब हो गया सेम गति से, सेम तरीके से, सेम ही स्पीड पे। मतलब पांच चीजें आज सीखी है तो कल भी पांच ही सीखोगे, है ना? जितना टाइम एक चैप्टर को समझने में लगा उतना ही लगेगा दूसरे में भी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, लीनियर नहीं हो सकती। आगे बढ़ेंगे तो आप लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन, दैट मीन्स ए तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? ये रीजन गलत है ए का। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये बात बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू नहीं हो सकते क्योंकि आर गलत है, रीजन सही नहीं है और वैसे भी सही नहीं है स्टेटमेंट। दोनों ट्रू है, आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों सही नहीं है, ये बात भी अपनी जगह भी सही नहीं है, तो इसलिए बी नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोशंस ऑफ सक्सेस इन स्कूल नीड्स टू बी चैलेंज्ड। यानी सक्सेस के हमने नोशंस बनाए हुए हैं स्कूल्स में भी, दुनिया में भी, कि भाई ये सक्सेस होती है, ये सफलता है और ये असफलता है, है ना? ज्यादा पैसे कमाए तो सक्सेसफुल है, ज्यादा नाम कमाए तो सक्सेसफुल है, अगर खुशी से अपना जीवन यापन करे, चाहे ज्यादा नाम कमा के परेशान रहे जिंदगी भर, तो जो खुशी से जीवन यापन करे सक्सेसफुल नहीं है, है ना? सरकारी नौकरी नहीं है तो सक्सेसफुल नहीं है, ये क्या नोशंस हैं सोसाइटी में। इसी तरह से स्कूल्स में भी लर्निंग के नोशन होते हैं, है ना? भ्रांतियां होती हैं, अगर मैं कहूँ धारणाएं होती हैं, जो मानते हैं ना ऐसा, हम कोई फैक्ट तो है नहीं है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं नोशंस की, तो स्कूल में किस तरह के नोशंस को चैलेंज करने की जरूरत है, यानी चुनौती देने की जरूरत है जो नोशन सही ना हो। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स अचीव सक्सेस इन स्कूल बाय प्रूविंग देमसेल्व्स टू बी बेटर देन अदर्स। बात तो सही है कि इसको चैलेंज करने की जरूरत है, सिर्फ मतलब कोई सही नहीं दे रहा। सही उत्तर इसमें सिर्फ 7% लोग दे रहे हैं, बाकी सब 77% लोग तो सी कह रहे हैं। समझते हैं अभी। सक्सेस नीड नॉट टू बी अबाउट कॉम्पिटिशन। हाँ, ये बात तो ठीक है। स्कूल्स शुड गिव इंपॉर्टेंस टू कॉग्निटिव एज वेल एज इमोशनल डोमेन्स व्हाइल कॉन्सेप्चुअलाइजिंग सक्सेस। बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ दिमाग को ही नहीं, इमोशंस को भी इंपॉर्टेंस दो। तो इसको चैलेंज करने की क्या जरूरत है भाई, ये तो सही बात कह रहे हैं। है? क्या पढ़ रहे हो आप लोग, खतरनाक मत पढ़ो। मतलब पढ़ने का मतलब मेरा क्या है कि पढ़ के समझ क्या रहे हो आप। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझ नहीं है, कि आप कुछ पढ़ नहीं रहे, ये इतना आसान है आप में से कोई भी कर देगा, लेकिन बात यह है कि आप इसको पढ़ के सही समझ नहीं पा रहे। ठीक है भाई, इसका सिंपल सा मतलब है कि स्कूल्स को इंपॉर्टेंस संज्ञान को, दिमाग को तो देनी ही चाहिए, इमोशंस को भी देनी चाहिए, तो ये तो सही बात है, इसको चैलेंज क्यों करना है भाई? चैलेंज तो गलत चीज को करेंगे ना हम। आंसर्स को किनको चैलेंज करते हो आप पेपर में जो गलत हो, इसको क्यों चैलेंज करोगे? फिर आता है डी ऑप्शन, इन क्रिएटिंग एन इवेल्युएशन सिस्टम इन विच समवन कम्स फर्स्ट वी आल्सो क्रिएट अ सिस्टम इन विच समवन इज डेस्टिन्ड टू लास्ट। यानी जब हमारा आकलन का तरीका ही ये है कि कोई एक फर्स्ट आएगा, तो इसमें अपने आप ही निर्धारित है कि जब कोई फर्स्ट आएगा जिस सिस्टम में, उस सिस्टम में कोई लास्ट भी आएगा, है ना? अगर ये सिस्टम ही ना हो फर्स्ट और सेकंड का तो फिर नहीं आएगा। तो ये बात भी सही है कि अगर हम इस तरह का इवेल्युएशन सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जहां फर्स्ट आता है कोई, तो लास्ट भी कोई ना कोई तो आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों बातें सही है। प्रॉब्लम कहाँ है, चैलेंज किसको करना है? चैलेंज करना है ए ऑप्शन को कि स्टूडेंट्स अचीव सक्सेस इन स्कूल बाय प्रूविंग देमसेल्व्स टू बी बेटर देन अदर्स। कि इस थॉट को चैलेंज किया जाना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो सक्सेस तब अचीव करें, उनको सक्सेसफुल तब माना जाए जब वो दूसरों से बेहतर करें, ना कि खुद से बेहतर करें। समझ गए बात? नहीं समझ गए? अभी भी 54% सी कह रहे हैं। क्या कौन सा, मतलब क्या कहेंगे इसको, सस्ते नशे कहेंगे? हैं कैसे सी कैसे है उत्तर? क्वेश्चन समझे नहीं हो क्या? फिर से समझते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोशंस ऑफ सक्सेस इन स्कूल नीड्स टू बी चैलेंज्ड। यानी स्कूल्स में सक्सेस का कौन सा नोशन, यानी सक्सेस के बारे में कौन सी भ्रांति, सफलता के बारे में कौन सी गलत धारणा को चुनौती देने की आवश्यकता है। देखिए, सी ऑप्शन गलत धारणा नहीं है, है ना? यहां पे तो लिखा गया है कि स्कूल्स को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कॉग्निटिव यानी मेंटल यानी दिमाग को भी और इमोशंस को भी, यानी सिर्फ पेपर पेंसिल नहीं, उसकी भावनाओं को भी इंपॉर्टेंस दो। बिल्कुल सही बात है। इसमें चैलेंज क्या करना है? चैलेंज उसे करोगे ना जो गलत है, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, ये है गड़बड़, बाकी तीनों बातें सही है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, व्हाइल टीचिंग अ कॉन्सेप्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अ टीचर शुड अवॉइड। यानी किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय आप कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, मान लीजिए बॉइलिंग का कोई कॉन्सेप्ट है, कितने सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं संप्रत्यय की अगर हम बात कर रहे हैं, तो टीचर को क्या अवॉइड करना चाहिए, यानी किससे बचना चाहिए। अब आप देख रहे हैं टॉपिक सेम है, बस क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा है आपसे कि आपको आगे चक्कर है ना, तो चक्कर नहीं लाने, पढ़ के समझना है। पेडागॉजी में आधा खेल खत्म हो जाएगा जब आप पढ़ के समझ जाएंगे किसी चीज को,
ठीक है जी, जरा जवाब दीजिए। ए ऑप्शन कह रहे हैं 50% लोग और डी ऑप्शन कह रहे हैं 34% लोग। लेट्स सी, क्या अवॉइड करना चाहिए टीचर को पढ़ाते समय या एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाते समय? यूज ऑफ एनालॉजीज, मतलब ए ऑप्शन। भाई क्या क्या हो गया आप लोगों को, है कुछ दिन क्लास ना लगे तो ऐसे ऐसे खतरनाक जवाब दोगे? देखो क्वेश्चन समझो, कहा गया कि किस चीज को अवॉइड करना चाहिए टीचर को पढ़ाते हुए, यानी क्या नहीं करना चाहिए टीचर को पढ़ाते हुए। यूज ऑफ एनालॉजीज अक्रॉस एंड विद इन डोमेन्स, यानी जो अलग अलग क्षेत्र हैं या सेम क्षेत्र है, यानी अगर आप सेम टॉपिक पढ़ा रहे हो या एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा रहे हो। देखो एनालॉजीज क्या होती है, एनालॉजी होती है कि मान लो जो हमारी आंखें हैं इंसान की, वो एक कैमरा के जैसी हैं, है ना, जो एक कैमरा रिकॉर्ड करता है वैसे आपकी आंखें भी रिकॉर्ड करते हैं, आप अपनी लाइफ के डायरेक्टर हो। ये क्या हो गया, एनालॉजी हो गई, एक मूवी से समानता जोड़ दी गई, तो ये तो अच्छी बात होती है टीचिंग में, इसमें बुरा क्या है, है ना। एनालॉजी, लॉ ऑफ एनालॉजी भी है थॉर्नडाइक का, यानी समानता, जो हमने प्रीवियस किसी सिचुएशन में किया होता है जब नई सिचुएशन आती है तो हम वैसा ही रिएक्ट करते हैं उसमें भी, ये तो लॉ ऑफ एनालॉजी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको अवॉइड क्यों करना है, इससे तो इजी बन जाएंगी चीजें, कनेक्ट करने के काम आएगा ये, तो चाहे सेम सब्जेक्ट हो चाहे अलग अलग सब्जेक्ट्स हो आप वहां पे एनालॉजी यूज कर सकते हो, तो ये अवॉइड क्यों करना है, इसको तो यूज करना है। हाईलाइट कोरिलेशंस अमंग डिफरेंट फिनोमिनन्स, यानी आप कोरिलेशंस को यानी कनेक्शंस को हाईलाइट करिए, यानी एक चीज से दूसरी चीज को जोड़िए, प्रीवियस नॉलेज से जोड़िए, बिल्कुल सही बात है। आस्क स्टूडेंट्स टू लुक फॉर कॉज इफेक्ट रिलेशंस, यानी कारण और कार्य, मतलब मान लीजिए धूप में कपड़े सूखते हैं तो कॉज क्या है, धूप, कपड़े सूखना इफेक्ट है, ठीक, तो ये तो अच्छी बात है कि बच्चे को कॉज एंड इफेक्ट का पता हो। एक ही उत्तर है जो गलत है और वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। एक्सक्लूड नॉन एग्जाम्पलर्स एंड एक्सेप्शंस, यानी गैर उदाहरणों और अपवादों को सम्मिलित करने का जो काम है, यानी हटा दीजिए आप एग्जाम्पलर्स को और एक्सेप्शंस को, मतलब टीचर जो है नॉन एग्जाम्पलर्स क्या होंगे भाई, नॉन एग्जाम्पलर्स, नॉन एग्जाम्पलर्स होते हैं इनडायरेक्टली नॉन एग्जाम्पल्स कह लीजिए आप उनको। मान लीजिए आप किसी बात को समझाना चाह रहे हैं, आप पेन के बारे में बता रहे हैं और पेन के बारे में बताने के बाद आपने कहा ये माउस है और ये पेन नहीं है, ये नॉन एग्जाम्पल हो गया, यानी वो चीज जो इससे कनेक्टेड नहीं है आपने इसको समझाने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए यूज की, ठीक, समझ पा रहे हो कि भाई जो एलिफेंट है वो पक्षी नहीं है, तो पक्षी को समझाने के लिए नॉन एग्जाम्पल हो गया, तो नॉन एग्जाम्पल्स का यूज करना चाहिए, एक्सेप्शंस भी बताने चाहिए। जैसे हम कई बार डिस्कस करते हैं ना कॉग्निशन और इमोशन चैप्टर में, मैं आपको कहती हूँ कि इमोशंस और कॉग्निशन रिलेटेड हैं, लेकिन देयर इज अ एक्सेप्शन ओवर देयर। क्या है एक्सेप्शन, जब ज़िज़ोंग की बात आए, ज़िज़ोंग एक व्यक्ति है जो कहते हैं इमोशंस एंड कॉग्निशन इंडिपेंडेंट है, बाकी सब क्या कह रहे हैं, कॉग्निशन यानी दिमाग और दिल दोनों जुड़े हुए हैं, ज़िज़ोंग इसका ऑपोजिट कह रहे हैं, तो मैं एक्सेप्शन अगर नहीं बताऊंगी तो कैसे गड़बड़ हो जाएगी पेपर में, ठीक, तो एक्सेप्शन भी बताने आपको, एक कॉन्सेप्ट समझाते समय और नॉन एग्जाम्पलर्स यानी गैर उदाहरणों का भी प्रयोग करना है, यानी उदाहरण क्या होंगे, भाई ये पेन का उदाहरण है, ये भी एक पेन का उदाहरण है, जेल पेन हो गया, ये मार्कर है, ये भी एक पेन का उदाहरण है, लेकिन ये जो रिमोट है ये पेन का उदाहरण नहीं है, मतलब ये तीन एग्जाम्पल तो मैंने दिए ही आपको, ये एक नॉन एग्जाम्पल भी दिया जो इस चीज से जुड़ा हुआ नहीं है, जिससे कि आपको इस चीज की क्लैरिटी आ सके, दैट मींस ये भी जरूरी है टीचिंग में ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, हैं चक्कर आ रहे हैं क्या, खतरनाक लग रहा है, तो डी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाते समय हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक्सेप्शन या नॉन एग्जाम्पलर्स को एक्सक्लूड कर दें, देखो इंक्लूड की बात नहीं आ रही, एक्सक्लूड की बात आ रही, यानी हटा दे, इंक्लूड का जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है या नहीं। ये कौन मेरी शादी कराने के पीछे पड़ा हुआ है, मैम इससे शादी करूंगी, सुधीर सिंह कह रहे हैं, क्या हो क्या गया, पढ़ाई कर लो, ये शादी वादी के चक्कर में कहीं गए नहीं रहने के, वो भी क्लास में संडे वार्ता में क्या करोगे फालतू बातें, देखो एक बार वहां अलाउड है, मैं मानती हूँ हमारे सबके मन में फालतू फालतू चीजें चलती हैं, फालतू भी क्या कहें, अभी पढ़ाई के अलावा कह देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लर्निंग अ टीचर शुड एम्फसाइज अपॉन, यानी एक टीचर को किस फॉर्म ऑफ लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, है ना भाई, लर्निंग के कई प्रकार हो सकते हैं, है ना, शैलियां हो सकती हैं, है ना, क्षेत्र हो सकते हैं, तो निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक, कौन से मेथड पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए, यानी जोर देना चाहिए, यानी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। लर्निंग थ्रू स्टिमुलस रिस्पांस, यानी एक स्टिमुलस है, एक रिस्पांस है, स्टिमुलस क्या है, अवार्ड मिलेगा, रिस्पांस क्या है, मेहनत कर रहे हो,
ठीक है, या स्टिमुलस कोई और भी हो सकता है कि डंडे पड़ेंगे इसलिए पढ़ाई कर लो। लर्निंग थ्रू प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी, इंक्वायरी तो अच्छी होती है, बच्चा एक्टिव होगा भाई, जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है वो बच्चे के लिए बेहतर है, वो आपका आंसर हो सकता है 99%। फिर भी है लर्निंग थ्रू रोट मेमोराइजेशन, रटने से दूर भगाना है बच्चे को, रटने के पास नहीं ले जाना, इस पे जोर नहीं देना टीचर को। लर्निंग टू अचीव मोर मार्क्स देन अदर्स, अब ये भी बीमारी है ना एक तरह की, के आपको ये सीखना है, स्कूल इसलिए नहीं जाना कि आपको कुछ सीखना है जीवन में, इसलिए जाना क्योंकि दूसरे से ज्यादा नंबर लेके आने हैं, तो ये तो प्रॉब्लम है एक तरह से, डिसऑर्डर कहेंगे इसको। लर्निंग टू अचीव मोर मार्क्स देन अदर्स, ये क्या है, प्रॉब्लम हो गई एक। ठीक, आपको एज अ टीचर इस चीज पे जोर नहीं देना कि बच्चा दूसरे से, देखो बच्चे का कंपैरिजन आप आपस में नहीं करेंगे, बच्चे का कंपैरिजन आप बच्चे की ही परफॉर्मेंस से करेंगे, कल तुम इतना करते थे, आज तुम इतना करते हो, कल तुम इतना करोगे, मतलब आप बच्चे को खुद से कंपेयर कर सकते हैं बाकी लोगों से नहीं। ठीक, तो एक ही बात सही है यहाँ पे कि स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी यानी बच्चे को इंक्वायरी का, पूछताछ का, अन्वेषण का, एक्सप्लोरेशन का मौका मिले। ठीक, तो बी ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत हैं क्योंकि उसमें कंडीशनिंग की बात हो जाएगी, जो फर्स्ट ऑप्शन है, हम बिहेवियरिज्म को नहीं, हम कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कौन सा एक उदाहरण नहीं है बाह्य अभिप्रेरणा का। दो प्रकार की मोटिवेशन है, एक एक्सटर्नल जिसको एक्सट्रिंसिक कहते हैं, एक है इंट्रिंसिक जिसको इंटरनल कहते हैं। कौन सी मोटिवेशन अच्छी होती है, इंटरनल मोटिवेशन अच्छी होती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन अच्छी होती है। रीजन क्या है उसका, रीजन सिंपल है कि जो चीज जिसका लोकस ऑफ कंट्रोल, जिसका सेंटर ऑफ कंट्रोल अंदर है, दैट मींस कोई चीज बाहर नहीं है, पैसा, पावर, नेम, फेम, मनी, ये सारी चीजें नहीं है उसको मोटिवेटेड रखने के लिए, तो वो लंबे समय तक खुशी से काम कर पाएगा। ठीक, इंटरनल मोटिवेशन में ये चीज होती है, लेकिन एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी बाहर कोई रीजन है, चाहे वो सैलरी है, नाम है, अवार्ड है। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, आरजे स्टडी कह रहे हैं, मैम सुधीर सिंह पूछ रहे हैं आप आईएएस से शादी करेंगे क्या, अच्छा मुझे लगा इससे शादी करेंगे क्या, मतलब शर्म नहीं आती है, ऐसा कोई टैग मैं लेके चल रही हूँ, बता चुकी हूँ पहले, कोई टैग नहीं है ऐसा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं सब बता दें आपको एक ही दिन में, Which of the following is not an example of extrinsic motivation? यानी कौन सा एक उदाहरण नहीं है बाह्य अभिप्रेरणा का? Avoidance of punishment, यानी punishment से बचना, ये तो बाहरी उदाहरण ही है। भाई अगर आपको इसलिए फेल नहीं होना क्योंकि घर पे डंडे पड़ेंगे, that means आप externally motivated हैं पढ़ने के लिए। फिर है interest, यानी अगर आपका interest है किसी चीज में तो ये extrinsic तो हुई नहीं, ये तो intrinsic है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा है, internal है। Rewards, रिवॉर्ड्स भी बाहरी होते हैं, फियर ऑफ फेलियर भी बाहर है ना, नहीं तो सब पैदा हुए हैं, सबको मरना है, काहे का फियर, ठीक है, कौन सा फेलियर। ठीक, हालांकि ये बहुत ही तुच्छ तरीका है चीजों को डिस्क्राइब करने का, बहुत ही सरफेस लेवल पे मैं ये बात कर रही हूँ, बट ये एक्सटर्नल है रीजन। ठीक है, क्या है ये? एक्सटर्नल रीजन है, ये भी एक्सटर्नल, ये भी एक्सटर्नल, ये भी एक्सटर्नल, खुद से कौन सा जुड़ा हुआ है? इंटरेस्ट जरूरी थोड़ी किसी के पैसे से आएगा। ठीक, तो ये इंट्रिंसिक का उदाहरण है, लोकस ऑफ कंट्रोल, सेंटर ऑफ मोटिवेशन क्या होगा इसमें? इंटरनल होगा, कि आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है, आपको पैसे नहीं भी मिले तब भी आप करेंगे, है ना, आपको गाने में इंटरेस्ट है जरूरी थोड़ी अब आपको कोई पैसे देगा तभी गाएंगे आप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन हिंडर्स स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी कौन सा एक इमोशन रुकावट बनता है बच्चे के अधिगम में? ईगरनेस, ग्रेटिट्यूड, क्यूरियोसिटी या होपलेसनेस, यानी उत्सुकता। अगर बच्चा उत्सुक है तो हिंडर थोड़ी करेगी ये चीज, रुकावट थोड़ी बनेगी, बाधक थोड़ी बनेगी उत्सुकता, उत्सुकता तो बढ़ावा देगी, बाधक क्यों बनेगी, तो ये तो सही नहीं हो सकता। ग्रेटिट्यूड, अगर आप ग्रेटफुल हैं किसी चीज को लेकर के, लाइफ को लेकर के, कृतज्ञता है आप में, आपने जहां से भी जो भी सीखा है आप उस चीज को लेकर ग्रेटफुल हैं, तो आप आगे अच्छा ही सीखेंगे, नेगेटिव इमोशन थोड़ी है ये। फिर आता है क्यूरियोसिटी, उत्सुकता तो बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि ये तो मदर ऑफ लर्निंग कह लीजिए, या इंटरेस्ट जो है बहुत बड़ी चीज है, लर्निंग में आपको हेल्प करेगी क्यूरियोसिटी, कि आप उत्सुक हैं कुछ जानने के, जिज्ञासा है आप में। होपलेसनेस इज अ नेगेटिव इमोशन, निराश अगर आप हैं तो ये बाधा बनेगा, ये हिंडर करेगा लर्निंग को, जो इंसान होपलेस है उसको जितना आता है उतना भी वो यूटिलाइज नहीं कर पाता। ठीक है, कि आपको उम्मीद ही खत्म हो गई, आपकी निराश है आप, तो नहीं अच्छा महसूस करेंगे तो लर्निंग भी नहीं होगी। ठीक, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, ड्यूरिंग द क्लासरूम डिस्कशन ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर, यानी पढ़ लो पहले इसको, जवाब दो खुद से, फिर मैं डिस्कस करूंगी, इतने में पीऊंगी पानी आराम से। व्हाई यू आर सो क्यूट, अरे बचपन से मजाक कर रही हूँ यार, अब आप लोग मजे लोगे तो मैं नहीं ले सकती क्या? देखो एक बार, बताओ एक बार, ओह गॉड, सीटेट एग्जाम कब होगा? अभी तो बताया नहीं है,
अच्छा रविंदर जी, धन्यवाद। 11th में हूँ, कुछ मेरा मेरे लिए भी सजेशन दे दीजिए। अरे यार, आप अपने पढ़ाई की जिस सिलेबस की देखने के लिए लाइव स्ट्रीम पे आता हूँ, कुछ अच्छा काम ढूंढ लो। चलो एक बार फटाफट से देखते हैं। बहुत बढ़िया, लाइक शेयर आप लोग कम कर रहे हैं, कुछ 4200 लोग हैं, 2600 लोगों ने लाइक किया। देखिए, ड्यूरिंग द क्लासरूम डिस्कशन आप लोग आंसर दे रहे हैं सी ऑप्शन, 76% आंसर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग द क्लासरूम डिस्कशन ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर, यानी पानी क्या है, इस पे बात हो रही थी क्लासरूम में। अ चाइल्ड रिस्पॉन्डेड, एक बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया कि वाटर इज नॉट कलरलेस, यानी पानी जो है वो रंगहीन नहीं है। पूछने पे टीचर ने पूछा, अच्छा भाई क्यों नहीं है रंगहीन, पहले जानोगे तो सही ना कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्या है। ऑन इंक्वायरिंग बाय द टीचर, चाइल्ड गेव रेफरेंस ऑफ डर्टी वाटर, तो बच्चे ने क्या दिया, रेफरेंस दिया कि मैंने तो काला पानी देखा था, गंदा पानी वहां नदी में, तो इसलिए वाटर कलरलेस कहां हुआ, उसका तो कलर है ना। या किसी ने पिंक देखा होगा, वो कहेगा कि पानी तो जो है पिंक होता है भाई, कलरलेस कहां होता है। डर्टी वाटर का रेफरेंस दे दिया, विच ही हैड सीन इन अ ड्रेन नियर हिज होम, एक ड्रेन पाइप में देखा था। अ टीचर रिस्पॉन्ड टू दिस मिसकॉन्सेप्शन, अब ये क्या अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है बच्चे का, है ना, नाइव कॉन्सेप्शंस भी बोलते हैं इसको, मिसकॉन्सेप्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ध्यान से रखिएगा इस बात।